हाय फ्रेंड, आई एम वर्षा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर पर आप स्टाइलिश हाउस नेम प्लेट बना सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें हॉट ग्लू गन, कुछ आइसक्रीम की स्टिक्स, कुछ पेंटिंग कलर और ये ब्रश हमारा। तो सबसे पहले मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, आप चाहें अपनी मर्जी से किसी भी तरह से इसको अरेंज कर सकती हैं। आप चाहे तो इसको इक्वली भी अरेंज कर सकती हैं, थोड़ा अप एंड डाउन में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है वो। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं कुछ इस तरह से इनको अरेंज कर रही हूँ। इनको अरेंज करने के बाद एक ये स्टिक लेती हूँ मैं, इस पे कुछ ग्लू इस तरह से लगाती हूँ मैं। और ये ऐसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है इसको। अब नेक्स्ट एक और स्टिक लेती हूँ मैं, उसको भी सेम इसी तरह से ई ग्लू लगाना है उस पे। और कुछ इस तरह से उसको भी फिक्स कर देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ये साइड बचा हुआ है, तो उसको भी फिक्स कर देती हूँ इसकी हेल्प से। आप चाहें तो इसको कार्डबोर्ड से और फेविकोल की हेल्प से भी आप इसको फिक्स कर सकती हैं इसको। ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है अच्छे से। अभी मेरा ये एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, तो मैं इसको भी फिक्स कर देती हूँ। ये मेरा अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ मेरा इस तरह से ये बन गया है। अब इसको पेंटिंग की कर लेती हूँ कलर। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इसको कर सकती हैं, मैं इसको करने जा रही हूँ ऑरेंज कलर। इसको हम ब्रश की हेल्प से अच्छे से कलर कर लेंगे। इस कलर में हम कोई भी वाटर वगैरह इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टिक है वो ज़्यादा हमें उस पर डार्क कलर करना है, ज़्यादा लाइट कलर हमें उस पर नहीं करना है, क्योंकि वो ड्राई होके अपने आप ही बहुत लाइट कलर हो जाता है। इसलिए ये देखिए हम इस पर डार्क शेड का ही कलर करेंगे, अदरवाइज वो हमारा बाद में लाइट हो जाता है। तो ये हमारा पेंट अब हो गया है। इसको ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये मेरा कलर होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है।
अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए सुखाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी हमें इस पर अपना नाम लिखना है। आप चाहें तो इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक वेलकम होम, कुछ इस टाइप से। मैं इस पर अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखने जा रही हूँ, तो इसको सुखाने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख सकती हूँ, क्योंकि अभी गीले पे इस पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा पूरा। अभी मेरा सूख के एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इस पर अपना नाम लिखने जा रही हूँ। आप चाहें तो, मैंने बताया था कि वेलकम होम या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नाम या जो भी आपको पसंद है। तो मैं इस पर अपना नाम लिखने जा रही हूँ। ये मेरे पास दो जूट के फ्लावर बने हुए हैं। मैं इनको थोड़ा और डेकोरेशन, इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए इनको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अब इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसको फेविकोल से भी ये चिपक सकता है यहाँ पे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। इसको थोड़ा अच्छे से फिक्स करना है। ये हम दूसरा भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब मेरे पास ये दो वाइट बीड्स हैं। इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए देखिए फ्रेंड, मेरा ये रेडी हो गया है। ये मेरा रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।